कि सिर्फ आप सवाल उठाओगे इसलिए देश के विरुद्ध काम करने के खिलाफ यूपीए नहीं लगेगा, निश्चित लगेगा और जेल की सलाखों के पीछे डालेगा। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह संसद में जब बोलते हैं तो पूरे रौब में होते हैं, कई बार लाइटर मूड में सांसदों को हंसाने की भी कोशिश करते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 पेश करने के दौरान, जब उन्होंने कहा कि वो किसी को नहीं डांटते, बस कश्मीर का मुद्दा आता है तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। और ये भी बोले कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, आवाज़ ऊंची बोलते हैं। लेकिन जब वो गिना रहे थे कि इस बिल को लाने से किस तरीके से दोषी ठहराने में मदद मिलेगी, उसी दौरान विपक्ष ने जब टोका टाकी की तो इसका जवाब कुछ इस अंदाज में उन्होंने दिया। क्या कहना चाहते हैं कि सिर्फ आप सवाल उठाओगे इसलिए देश के विरुद्ध काम करने के खिलाफ यूपीए नहीं लगेगा, निश्चित लगेगा और जेल की सलाखों के पीछे डालेगा। इस तरह से नहीं चलेगा। 66 लाख लोग पकड़े गए, इसमें से 706 लोग 2020 में, 68 लाख लोग पकड़े गए माननीय अध्यक्ष जी, इसमें से सिर्फ 1300 लोग, और 52 लाख केस हुए, इसमें से 1900 केस है। क्या कहना चाहते हैं? मिस यूज। ये कोई एक जाति धर्म के लिए नहीं है, मगर आपकी बात, आपकी पैरवी एक जाति धर्म के लिए। और इस तरह से संसद में चर्चा जब होती है तब संसद की मर्यादा रखते हुए मैं अंतिम व्यक्ति हूं ऐसी चर्चाओं को सहन करने के लिए, इसका माकूल जवाब दिया जाएगा, ढंग से जवाब दिया जाएगा। हम नहीं डरते ऐसे विवाद से। देश को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी देश की जनता ने हमें दी। और इस तरह से नहीं डरा सकते आप। जैसा कि आपने सुना, कह रहे हैं कि आपके सवाल के डर से यूएपीए नहीं लगेगा, जो भी ऐसे लोग होंगे उनके खिलाफ जरूर लगेगा। इस तरीके से आप हमें डरा नहीं सकते। संदेश एकदम साफ है, जो अपराध करेगा वो सजा भी भुगतेगा, आपके सवालों से नहीं डरता। तो इस तरह आज गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में छाए रहे, कभी लाइटर मूड में दिखे तो कभी गुस्से में भी दिखे, यानी कि अपनी बात को तस्दीक करते दिखे कि उन्हें सामान्यतः गुस्सा नहीं आता है, लेकिन जब कश्मीर का जिक्र आता है तो गुस्सा आ जाता है। रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।